For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. नमस्कार, मैं हूं विजय विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मुझे Movies Adda पे ज्योति के साथ। हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे हम देखने से ज्यादा शायद सुनना पसंद करते हैं, और सुनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर आवाज होती है विजय विक्रम सिंह जी की। हेलो सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा। हेलो, मैं एक क्लेरिफाई कर दूं कि मैं नरेटर्स वॉइस हूं शो में दो आवाजें हैं जी, लेकिन हर आवाज बिग बॉस में जो भी आपकी आवाज भी जब आती है वो भी बड़ा मजा आता है सुनने में, बहुत ही एक सूदिंग वॉइस है। सबसे पहले तो एक हम एग्जांपल देखना चाहेंगे प्लीज। दोपहर 2:30 बजे ज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी मैं, अगर शॉर्ट में अपनी जर्नी आप बताना चाहें क्या बताएंगे, किस तरीके से शुरुआत हुई और यहाँ तक कैसे? MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, कॉर्पोरेट लाइफ फॉर 5 ईयर्स, सडनली एहसास हुआ कि आवाज में भी कुछ कर सकते हैं, ट्रांजिशन 3 साल की मेहनत के बाद फुल टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट 2009 से, और फिर 2014 से थिएटर करना शुरू किया, ऑन कैमरा पहुंचे 2018 में, शूट किया फैमिली मैन, रिलीज हुआ 2019 में, और अब कमाल ही होगा जो भी होगा इसके बाद। ऑब्वियसली कमाल ही होगा क्योंकि आपकी आवाज़ और आपकी एक्टिंग भी हमने देख ली फैमिली मैन में। कैसा एक्सपीरियंस था कि यू नो, पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आना? मैं इंस्टा पे जब प्रमोट कर रहा था फैमिली मैन, तो मैंने हैशटैग बनाया था अब आवाज़ दिखेगी जी। तो अब आवाज़ दिखेगी, उसका जो नशा है, उसका जो मज़ा है, वो एक अलग ही मज़ा है। क्रिएट करने का भी जो मज़ा है ना, वो भी एक बड़ा ही अलग सा मज़ा है। वॉइस ओवर जब आप करते हो तो आपने किया, हो सकता है 2 दिन बाद ही वो ऐड आ जाए ऑन एयर, आपने किया हो सकता है अगले ही दिन वो एपिसोड ऑन एयर हो जाए या सेम डे वो एपिसोड आप देख लो। इसमें आप एक्ट करते हो, फिर आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है, तो उसमें आप डब करते हो 6 महीने बाद, फिर मतलब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा 3-4-5 महीने का, पर जब वो प्रोसेस के बाद जब वो प्रोडक्ट निकल के आता है उसका एक अलग मज़ा है, एक अलग नशा है, क्योंकि उससे पहचान जो मिलती है वो एक बहुत ही अलग किक, आवाज़ को पहचान मिल जाती है। थैंक यू सो मच सर। ऑब्वियसली क्योंकि बिग बॉस इतना अहम हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, बिग बॉस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपकी इस बार का, क्योंकि सीजन जो है वो एक्सटेंड होते ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट्स भी अंदर बहुत पिस ऑफ हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स के बारे में? कंटेस्टेंट्स के बारे में तो देखिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का प्यार मिला है इस शो को, जिस तरह की रेटिंग्स आई हैं कमाल हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वही रेटिंग्स आती रहें, आ रही हैं अभी भी, और वैसे ही कमाल की रेटिंग्स आती रहें, यही अपेक्षा है, और आई एम श्योर कंटेस्टेंट्स पसंद किए जा रहे हैं, इसीलिए एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, आप क्योंकि ऑब्जर्व करते हैं, आप जो भी बोलेंगे कि खैर ऐसा ना लगे कि बायस है या अनबायस्ड है, लेकिन आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन है, आपको किसको देखना अच्छा लगता है जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? मुझे मनवीर गुज्जर को देखना अच्छा लगता था, लेकिन इस सीजन में और बस उन्हीं को देखना अच्छा लगता था। सर जाते जाते आपकी आवाज़ में कुछ हम सुनना चाहेंगे वापस से, और जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि प्यार बरकरार रखें, सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहें, बहुत सारी नई चीज़ें करते रहते हैं, विजय विक्रम 77 इंस्टा पे और विजय विक्रम सिंह फेसबुक पे फॉलो करते रहिए, और आपके लिए ये मैसेज है कि आगे देखिए ज्योति का शानदार इंटरव्यू विजय विक्रम सिंह के साथ। वाओ, ये आवाज़ में सारा टाइम सुनती रहती हूँ, मुझे आपकी आवाज़ सर बहुत पसंद है, एंड आई होप कि इसी तरीके से और बड़े बड़े इंटरव्यूज हमें आपके साथ करने को मिले, थोड़े लंबे इंटरव्यूज। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।